भगवान का भी मन लुभा लेने वाला धाम वृंदावन किसके मन को मोहित नहीं कर लेगा। एक भक्त के मुख से सुना था, भगवान से एक बार, चलो एक भजन की पंक्ति याद आ गई। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, दिल कहता तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें। ये बैठे नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें। ये बैठे मुरलीधर महिमा हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन नहीं। तुम होके उसी मन में बैठे, राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। धनु धारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। और जब पता लग जाए तो भक्त कही उठता है, वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्या है वृंदावन? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी। नैना
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। गोता लगाने को गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन गाथा है। तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर है धर धार, मैया ने माखन दधि दीनो, मेरे मन नहीं भायो माधव, माधव पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे पास तुम्हारे। भगवान बड़े कौतुकी प्रगटे, प्रभु कौतुकी कृपाला कि अब उन्हें कल से भूखा हूं। माधवदास ने आंख खोल दे भगवान सामने, हाथ जोड़े सिर रखकर प्रणाम किया। अब बोले तो कैसे बोले, मुख में ग्रास। भगवान बोले भूखे हैं। अब माधवदास, भगवान बोले मैं समझ गया, मुख में ग्रास रखा हुआ उगल नहीं सकते, संतों के प्रसाद का अपमान होगा। सिर हिलाकर कहा हाँ, और निगल इसलिए नहीं सकते कि मुझे भोग नहीं लगाए। हाँ, एक काम करो, क्या मुख में रखे हुए ग्रास में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के पहले मुझे खिला दो, फिर तुम खा लो, भोग भी लग जाएगा, संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास तो रोने लगे, कांप गए। भाव अपना जूठा खिलाऊं आपको, अपना जूठा आपको खिलाऊं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अरे यार, अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधवदास बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान बोले ऐसा ही होगा। अब छीना झपटी मच गई। माधवदास ने सोचा निगल ही जाए तो अच्छा, पर वो ग्रास निगलने लगे। भगवान कहे कि नहीं नहीं, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो इस छीना झपटी में निगल ही गए ग्रास माधवदास जी, पर कुछ कण नीचे गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, लेकिन जो कण गिरे सीत गिरो, सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। इसीलिए देखो ऐसी कवन प्रभु के रीत, कंवा दयालु शरणम ब्रजे, विरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, ऐसी कवन प्रभु के रीत। और इसीलिए भगवान से नाते की बात है,
माधव दास जी ने नाता जोड़ा तो प्रभु कहते तुम हमारे सखा हो, जूठा ही दे दो।